एक्सरसाइज 5.2 का 6 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें भी x का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि d क्या होगा। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है इंटू 2, तो 1 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 7। तो d लेस देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट नहीं होगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू माइनस 1 है, तो प्लस 1 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू माइनस 7 है, तो माइनस 7 बाय 2, ए का वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा, इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा बाय 2। ये आयोटा कैसे आया, तो माइनस रूट 7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट 1 इंटू रूट 7, और रूट माइनस रूट 1 को आयोटा लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे है। तो x का दो वैल्यू आएगा, प्लस 1 प्लस रूट 7 आयोटा बाय 2, तो 1 माइनस रूट 7 आयोटा बाय 2। 7 नंबर में दिया हुआ है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको भी सॉल्व करना है और इसमें भी x का वैल्यू ही निकालना है। तो सबसे पहले हम d इसका चेक कर लेते हैं, d क्या होगा। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, 4 इंटू ए का वैल्यू रूट 2, सी का वैल्यू रूट 2, तो 1 माइनस ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा, तो 1 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 7 होगा। तो d तो हमारा निगेटिव है, इसका मतलब रियल रूट नहीं होगा। तो हमको रूट्स निकाल x का वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो b का वैल्यू प्लस 1, तो d का माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू माइनस 7 बाय 2 रूट 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा बाय 2 रूट 2। तो x का दो वैल्यू होगा, माइनस 1 प्लस रूट 7 आयोटा बाय 2 रूट 2, और माइनस 1 माइनस रूट 7 आयोटा बाय 2 रूट 2। 8th में दिया हुआ है रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3, इसमें भी x का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो पहले हम d चेक कर लेते हैं, तो d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू रूट 3 और इंटू c का वैल्यू 3 रूट 3, तो 2 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 9, 4 इंटू 9, 2 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 34। डी तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स रियल नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे एक्स का वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो एक्स का यहाँ दो वैल्यू होगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। अब यहाँ d का वैल्यू कितना है, माइनस 34, b का वैल्यू कितना है, माइनस रूट 2, a का वैल्यू कितना है, रूट 3। अब ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो, x का वही दो वैल्यू आएगा। 9 नंबर में c का वैल्यू में डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं।
ताकि सिंपल हो जाए। तो इसको रिमूव करने के लिए इस यहाँ टू से रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसका, अब ये सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसका, इससे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले डी चेक कर लेते हैं, डी इक्वल्स टू क्या है, रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट टू इंटू वन, टू माइनस फोर रूट टू, तो ये फोर रूट टू, टू माइनस फोर इंटू रूट रूट टू, ये वैल्यू तो इससे बड़ा होगा, इसका मतलब डी निगेटिव है। तो डी निगेटिव है तो हम एक्स का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस वी प्लस माइनस रूट डी वाई टू ए। तो बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है, रूट टू है, तो माइनस रूट टू प्लस माइनस रूट टू माइनस फोर रूट टू, ये डी का वैल्यू इसमें रखेंगे, बाय टू ए, ए का वैल्यू टू रूट टू। अब देखो यहाँ देख, सब में से इस सारे में से देखो माइनस रूट टू प्लस, इसमें क्या कॉमन आएगा, टू कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू रूट टू। अब इस पूरे में से रूट टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इससे रूट टू कॉमन लेंगे तो माइनस वन, प्लस इससे रूट टू कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू रूट टू, रूट टू रूट टू कैंसिल। अब एक्स इक्वल्स टू हम बचा मेरे पास माइनस वन प्लस वन माइनस टू रूट टू अपॉन टू। अब ये तो इससे बड़ा है तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वन प्लस, माइनस कॉमन ले लिए, टू रूट टू माइनस वन अपॉन टू। अब माइनस वन और रूट अंडर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो रूट अंडर टू रूट टू माइनस वन, यहाँ प्लस माइनस भी होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा, हर जगह प्लस माइनस भी होगा, बाय टू, ये आयोटा। तो अब एक्स का दो वैल्यू होगा, तो माइनस वन प्लस, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो प्लस वाला पहले रूट टू रूट टू माइनस वन आयोटा अपॉन टू, और एक माइनस वन माइनस टू रूट टू माइनस वन अपॉन टू आयोटा। एक्सरसाइज 5.2 टू का 10 नंबर में ये दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम इस रूट टू को रिमूव करेंगे किसी तरह, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी सी में केवल न्यूमरेटर बचे, तो यहाँ वन है यहाँ भी वन है, तो सबका एलसीएम रूट टू, तो ऊपर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू, इस रूट टू को उधर भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं इसका डी, डी डी निगेटिव है या पॉजिटिव, तो डी का वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो वन माइनस फोर इंटू टू माइनस सेवन। डी तो निगेटिव है, इसका मतलब रियल रूट्स नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होगा, तो इसका एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए। तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस प्लस वन, तो माइनस बी, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट डी, तो माइनस सेवन बाय टू ए, ए का वैल्यू वन टू। अब इसको लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आयोटा में टू, तो एक्स का यहाँ दो वैल्यू होगा, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला।
माइनस वन माइनस रूट सेवन आयोटा वाई। अच्छा यहाँ तो ए का वैल्यू रूट टू है, तो एक्स का दो वैल्यू हो गया।